हेलो दोस्तों, तो ये तीसरा वीडियो है जिसमें जो सिविल की सीरीज़ है उसमें जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से वेंडर्स हैं जिसके पास से आपको अपना सिविल रिपोर्ट मिल सकता है और सारे वेंडर्स में अच्छा कौन सा है और वो अच्छे वेंडर्स जो भी रहेगा ठीक है उसमें वो कैसे उसमें से रिपोर्ट निकालेंगे अपना और उस रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट करोगे कि क्या समझोगे, हर एक चीज़ जो उसमें रहती है उसका क्या मीनिंग रहता है, उसका अर्थ क्या है, ये सब होगा इस वीडियो में। और ये वीडियो में मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, मतलब कि सिविल रिपोर्ट होगा लाइव रहेगा ठीक है, वो मैं बंदा मैं ही, तो मेरे रिपोर्ट के साथ ही आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सारी डिटेल्स तो होगा, कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन रहेगी जो मैं शेयर नहीं करना चाहता, तो उन सबको मैं ब्लर आउट कर दूंगा ठीक है। तो शुरू करते हैं, कौन से डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अवेलेबल है पहले तो ये समझते हैं। एक है पैसा बाजार, फिर बैंक बाजार, क्रेडिट मंत्री, ये सारे वेंडर्स हैं जो आपने बहुत बार सुने होंगे इनके नाम और बहुत सारे लोगों ने निकाला भी होगा सिविल रिपोर्ट। बट मेरा ओपिनियन है कि सबसे अच्छा कोई और भी है, वो है सिबिल.com, मतलब कि खुद सिबिल। अगर आपका इंफॉर्मेशन ये लोग सिबिल से लेके आपको दे रहे हैं, इससे अच्छा आप ही खुद डायरेक्टली सिबिल से ले लो। इसमें दो चीज़ है, एक तो है आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मतलब करेक्ट रहेगा, क्योंकि कई बार होता है कि बैंक बाजार का कुछ और रहता है, पैसा बाजार का अपना कुछ और स्कोर रहता है, दोनों का मिसमैच रहता है, ये घट जाएगा क्योंकि खुद सिबिल दे रहा है, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो सेफ है, मतलब सपोज बैंक बाजार, पैसा बाजार, उस पर मैं भरोसा कैसे करूँगा ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द डे तो प्राइवेट कंपनी ही है ना। जबकि सिबिल की बात करें तो सिबिल जो है वो खुद कलेक्ट करता है डेटा और खुद ही आपको दे रहा है, मतलब वो किसी को किसी से ले नहीं रहा, आउटसोर्सिंग का चीज़ नहीं इसमें। जैसे पैसा बाजार के पास आप गए, उसको बोला कि मेरे को रिपोर्ट दिखाओ, तो वो सिबिल के पास लेगा ना ये रिपोर्ट, फिर आपको देगा, इससे अच्छा आप ही सिबिल के पास ले लो। मतलब जहाँ से पानी शुरू होता है, नदी शुरू होती है, रिवर शुरू होता है, वहीं से ले लो ना रिपोर्ट, यही चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो यही अच्छा है। और दूसरी चीज़ है मेरी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जैसे कि पैन हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया, सब कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन में जबकि शेयर कर ही रहा हूँ तो मैं इन सबसे क्यों करूँ, डायरेक्टली सिबिल से ही करूँगा ना। तो ये है सेफ्टी कंसर्न, इसके लिए आई थिंक सिबिल.com इज बेटर। अब पैसे की बात करते हैं, सिबिल.com में से आपको अगर आपका रिपोर्ट चाहिए तो एनुअली मतलब साल में एक बार आप फ्री में चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है तो उनके सब्सक्रिप्शन पैक्स हैं सारे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है। ये हो गया सिबिल में, आई वुड सजेस्ट कि आप सिबिल.com से ही ले लें। अब कैसे ले सकते हैं इसकी बात करते हैं, सिंपल पहले जाते हैं ब्राउजर में और सिबिल.com के ऊपर जाओ ठीक है, तो ये आपको होम पेज आएगा। अब होम पेज में पहले तो आपको सब्सक्रिप्शन का दिखा देता हूँ, यहाँ पे करोगे ना क्लिक गेट योर स्कोर, ये है 3 सब्सक्रिप्शन अभी के लिए, 550 में 1 महीने के लिए, 6 महीने का 800, 1 साल का 1200, इसमें ये सब फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है, मतलब कुछ है नहीं, बस यही है कि ये सब पैसे दोगे तो इतने इतने 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए चेक करने देंगे। बट आपने को तो अगर मुफ्त में ही निकलना है और एक बार ही चेक करना है तो नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन, वेट, ये रहा, ये आता है क्लिक टू गेट योर फ्री एनुअल सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट ऑनलाइन, तो क्लिक कर दो, आ गया। ये कुछ नहीं है, सीधा साधा फॉर्म है, सिर्फ डिटेल्स ही भरनी है साइन अप के लिए, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन अपना ईमेल आईडी डाल दो, पासवर्ड क्रिएट कर ही देते हैं, नाम अमित,
आईडी टाइप में मैंने लास्ट वीडियो में पैन कार्ड लिया था, लेकिन कुछ गलती आती है, तो इस बार मैं सोच रहा कि पहले से ही पासपोर्ट ले। और ये जो नंबर है पासपोर्ट नंबर, वो गलत है, मैं तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा करेक्ट नंबर नहीं है। जस्ट अ डिस्क्लेमर, 1 2 3 4 5 6 7, डेट ऑफ बर्थ, चलो गलत डालते हैं, इनपुट। अब आता है मोबाइल नंबर, ये सब डालने के बाद ठीक है, वैलिड नहीं होगा ना, कुछ गलत है। एनीवेज अगर आप इसमें एक्सेप्ट और कंटिन्यू क्लिक करोगे तो उसके बाद दूसरा पेज आ जाएगा, जो कि होगा जी। इसमें क्या रहता है, आपको ये रहा पेज ये आएगा, ठीक है, फिर ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे, जो कि आपको ठीक है कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके, गो टू डैशबोर्ड करोगे, ये फटाक से पेज हो जाएगा। ये क्या है, तो फर्स्ट पेज ये है मेरा सिविल स्कोर, ठीक है, 769 सिविल स्कोर। सिविल स्कोर 700 के ऊपर जनरली अच्छा ही होता है, मतलब वो अच्छा ही व्यू किया जाता है कोई भी अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेक दैट इन माइंड। नेक्स्ट इज क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। अब क्रेडिट रिपोर्ट, यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट पे एंटर करोगे आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। इसमें क्या, आपको पांच चीज़ें है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मतलब एड्रेस मोबाइल नंबर वो सब आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन मतलब जो एम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब स्टेटस बिजनेस मैन हो जॉब कर रहे हो क्या, बस आएगा डिटेल्स। फिर आता ये वही, हाँ बाय द वे ये जो सैलरी डिटेल्स हैं वो सब मतलब जो लास्ट आपने अप्लाई किया था उसकी दिखा रहा है। नेक्स्ट इज अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि कितनी सारी एक्टिव है अभी लोन या क्रेडिट कार्ड उसकी डिटेल्स रहती है। फिर आता है इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, जिस जिसने आपका सिविल देखा है, कोई भी कंपनी ने आपका सिविल देखा है, वो सबका इन्फॉर्मेशन इधर आएगा। और वो कंपनी ने क्यों देखा होगा, ऑब्वियसली आपने कोई अप्लाई किया होगा कुछ लोन के लिए, उसलिए उधर दिखता है, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, ये आता है यहाँ पे होता है कंट्रोल नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर होता है आपका सिविल रिपोर्ट के लिए। मतलब कंट्रोल नंबर कैसा हो गया पता है, आपका आधार ही समझ लो, जैसा आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ है ना, मतलब वही रिकॉर्ड के लिए पर्पज के लिए इनका कंट्रोल नंबर रहता है। और कभी भी आप कहीं पर भी किसी के साथ सिविल में वो डिस्कस कर रहे हो, मतलब कोई भी ईमेल भेजे तो वो पहले यहीं पूछेंगे कंट्रोल नंबर बताओ, फिर देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर आता है ये नेम, ये अमित और भाविशी, ये हाँ पूरा नाम तो हटा दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ वो भी हटा दिया है, मेल मतलब जेंडर बता रहा है, ये पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब दोनों इधर है, ये होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारे एड्रेस अभी तक रजिस्टर्ड हुए हुए हैं मेरे सिविल में, और इस ये एड्रेस है सपोज रेसिडेंस का है, ये एड्रेस मैंने रेसिडेंस किया है और रेंटेड दिया है, ऑफिस एड्रेस मेंशन किया है, ये हुआ रेसिडेंट एड्रेस, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये मेरा खुद की जगह है, मतलब माई ओन स्पेस। ये कब रिपोर्ट हुआ, ये जब मैंने कुछ लोन के लिए अप्लाई किया होगा जून 2017 तब का होता रहता, लास्ट अपडेट है अक्टूबर 2018। नेक्स्ट इज उसी में नीचे आप जाओगे तो आपको मिलेगी ऑफिस फोन और मोबाइल फोन, जो भी आपका उसमें डिटेल्स दिया होगा, और ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में क्या दिया है कि क्रेडिट कार्ड वालों ने रिपोर्ट किया था दिसंबर 2017 में कि मेरा ऑक्यूपेशन जॉब है, मतलब सैलराइड बंदा है, ठीक है, बिजनेसमैन नहीं है, ये उन्होंने रिपोर्ट किया था, वही आता है। फिर आता है अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन थोड़ा अच्छा है मतलब समझने के लिए, क्या है कि जो भी सारी एक्टिव लोन्स है ना, एक्टिव फैसिलिटी कोई भी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है, और उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी इसमें आता है। इसमें क्या बता रहा है कि मेरे पास चार क्रेडिट कार्ड है, 3 HDFC बैंक के और एक SCB मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक,
हाँ है मेरे पास ये सारी चीजें सही है, बट क्या है कि ये तीन क्लोज हो चुके हैं, HDFC बैंक ये तीनों साथ, क्योंकि ये कुछ क्रेडिट कार्ड मिले थे मैंने विद इन 1 or 2 months ही क्लोज कर दिया था, मैंने एक्टिव भी नहीं किया था। तो क्या रहेगा इसमें, अगर आपने कोई भी चीज क्लोज कर दिया वो भी इसमें दिखता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, दिखेगा है तो नहीं है तो नहीं दिखेगा, मतलब एक्टिव नहीं है। सपोज आपने इंक्वायर किया क्रेडिट कार्ड के लिए लेकिन लिया नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन लिया लेकिन यूज नहीं किया क्लोज कर दिया तो आएगा, ये सब आता है। लेकिन डिटेल सब दिखता है, अगर आप क्लिक करोगे किसी के भी ऊपर वो आपको डिटेल्स शेयर करेगा। जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का था, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अकाउंट डिटेल्स और पेमेंट स्टेटस, पहला अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट लिमिट होता है, हाई क्रेडिट, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जब देखेंगे ना तब डिटेल में। क्रेडिट लिमिट मतलब कितना क्रेडिट लिमिट है, हाई क्रेडिट कितना यूज हो चुका है, करंट बैलेंस क्या है, उसमें कैश कुछ ले सकता हूँ कि नहीं, अमाउंट ओवरड्यू कुछ नहीं पे नहीं हुआ ऐसा कुछ अमाउंट है कि नहीं, फिर कब क्लोज हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज हो चुका है इसलिए लिखा हुआ, लास्ट पेमेंट कब किया था, ये सब डिटेल्स कब सर्टिफाइड और रिपोर्ट हुई थी, कोलेटरल मतलब कोई सिक्योरिटी जमा किया गिरवी रखा है कुछ चीज़ तो उसका कितना वैल्यू है, टाइप ऑफ कोलेटरल कैसा कोलेटरल है, गोल्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, मतलब क्या है, फिर है सूट फाइल्ड और विलफुल डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट हुआ है क्या, है तो सूट फाइल क्यों है क्या, मतलब केस किया है कि नहीं किया है, राइट रिटर्न ऑफ स्टेटस, राइट ऑफ कर दिया क्या, पैसा नहीं आने वाला इसलिए राइट ऑफ कर दिया क्या बैंक में, किया है तो उसमें टोटल कितना हुआ, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, और अगर सेटल हुआ तो सेटलमेंट में उस बंदे ने कितना पे कर दिया, वो सब आता है। पेमेंट स्टेटस में जाओगे तो स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब 1 जुलाई से शुरू हुआ और दिसंबर को खत्म, ये सब 00 क्या होता है, मतलब डेज ऑफ डेज पास ड्यू, मतलब पेमेंट की डेट के आगे कितने दिनों तक पेमेंट नहीं हुआ या तो कितने दिनों में पेमेंट हो गया। सपोज मेरा पेमेंट डेट है 15 दिसंबर, ठीक है, और मैं पे करता हूँ 10 दिसंबर को तो चलेगा, 15 को करता हूँ तो भी चलेगा, लेकिन 16 को करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 मतलब एक दिन के बाद उसने पे किया, 15 को करना था किया 16 को, सपोज 15 को करना था मैं पकड़ता हूँ 20 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, जब तक पे नहीं करता तब तक यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये होगा 0। अब दूसरे का उसमें भी कुछ नहीं है देखने के लिए, छोड़ो यार, ठीक है इग्नोर कर दो, वेट ये कुछ इग्नोर कर सकते हैं, हाँ ये ठीक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला ना, हाँ बस इसमें इंफॉर्मेशन आएगा, ये समझना इजी रहेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्रेडिट कार्ड है, ये उसका अकाउंट नंबर है, क्रेडिट कार्ड का नंबर, अकाउंट में क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट मतलब कितना है उसमें मैं लिमिट है क्रेडिट कार्ड का, तो वो है 92,500। हाई क्रेडिट कितना सबसे ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ मैं एक एक ही बारी में, वो है 90,458। ये अच्छा नहीं है, आपको अगर स्कोर अच्छा रखना है तो 50% से ज़्यादा मत यूज़ करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये आपको स्कोर बढ़ाने में भी अच्छा मदद करेगा, लेकिन हाँ पहले नहीं पता था तो अपन ने तो कर ही लिया था ऑलमोस्ट 90% तक यूज़ कर लिया था मैंने, 90 से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो 90,458 तक यूज़ किया, अभी करंट बैलेंस है उसमें से मैंने कुछ पे कर दिया कुछ 4,000 के आसपास, तो क्या हुआ 86,616 मेरा अभी भी करंट बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। कैश लिमिट है 18,500, इसका मतलब हुआ कि आज 18,000 तक मैं विदड्रॉ कर सकता हूँ। अमाउंट ओवरड्यू 0, ये मतलब मेरे को आज पे करना है और मैंने नहीं किया, ऐसा कितना अमाउंट, सपोज ये 86,000 था उसमें से पेबल नहीं हुआ, ड्यू नहीं हुआ, लेकिन सपोज अगर ड्यू होता और मैंने नहीं किया सिर्फ 50,000 पे किया होता तो यहाँ पे 36,000 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लोन होता तो ज़रूरी लिखा होता कितने रेट पे चल रहा है। रिपेमेंट टेन्योर मतलब सपोज अगर मैंने होम लोन लिया होता
20 साल की है, तो यहाँ पे 240 आ जाता, मतलब 240 मंथ्स, 20 साल इंटू 12 मंथ्स, 240 मंथ्स इन टोटल ईएमआई अमाउंट, मतलब कितने का ईएमआई आता है। ये सब क्रेडिट कार्ड में नहीं देखता, ये होम लोन के फीचर्स है ना इसलिए। फिर आता है पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मंथली, ईयरली, बाई मंथली, क्वार्टरली, वो सब आता है। फिर एक्चुअल पेमेंट, लास्ट पेमेंट कितना हुआ, डेट ओपन और डिसबर्स, अगर क्रेडिट कार्ड रहेगा तो ओपन डेट होगा, लोन है तो डिसबर्स कब हुआ वो दिखा रहा है। ये जैसे मेरे को जनवरी 2018 में मिला था, ठीक है, तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। डेट क्लोज, ये क्लोज नहीं है, चल रहा है, मतलब एक्टिव है, तो डेट नहीं आएगा। फिर आता है डेट ऑफ लास्ट पेमेंट, लास्ट पेमेंट मैंने तब किया था, वो डेट आता है इधर। फिर आता है रेट रिपोर्ट एंड सर्टिफाइड, ये कब, ये सारी डिटेल्स कब सर्टिफाइड होती है, नहीं सही है वो आता है ये रेट। वैल्यू ऑफ कोलेटरल, मतलब कोई भी चीज़ क्या गिरवी रखी हुई है, हाँ तो उसका वैल्यू क्या है। टाइप, फिर टाइप ऑफ कोलेटरल, कई किस टाइप की चीज़ है, उसमें से ऑप्शन आप बोलाना पड़ेगा कि सिक्योरिटी जो गिरवी रखी हुई है क्या है, कैसी है, मतलब क्या उसका टाइप है, कैटेगरी बेसिकली। नेक्स्ट इज सूट फाइल्ड और विलफुल डिफॉल्ट, मतलब कोई भी सूट फाइल हुआ है कि नहीं, मतलब सूट फाइल होना क्या बोलता है, केस किया है कि नहीं पैसे पैसे को रिकवर करने के लिए, ठीक है, इन शॉर्ट सिंपल फंडा, तो ऐसा कुछ है कि नहीं, या फिर विलफुल डिफॉल्ट है कि क्या है। सूट फाइल में क्या रहता है पता है, अगर सपोज कैसे बताऊँ, अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, कोई भी लोन, और कुछ अनाप शनाप चार्जेस दे दिए, लेकिन आप ईएमआई पे रहे हो, चार्जेस नहीं पे कर रहे, तो आप मेरे पास केस कर, तो मतलब कोई भी डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट नहीं है, तो सूट फाइल में आएगा। फिर आता है रिटर्न ऑफ स्टेटस, रिटर्न ऑफ स्टेटस क्या रहता है, सपोज आज 80,000 पेमेंट करने को है मेरे को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भी मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, तो क्या करो, ठीक है, जल्द राइट ऑफ कर दो इसको, ये तो बंदा पैसे निकालना मुश्किल है इसके पास, किसके पास तो है ही नहीं, तो आएगा रिटर्न ऑफ स्टेटस में, कि क्या आएगा, रिटर्न ऑफ, मतलब बैंक ने बोल दिया कि आज से रिकवर नहीं होगा। रिटर्न ऑफ अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा, 80,000। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में क्या रहता, सपोज 80,000 में पूरा 80,000 तो मैंने यूज़ नहीं किया होगा, मैंने कितना किया था, सिर्फ 60,000 किया था, अब 60,000 यूज़ किया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो 20,000 करो, 80,000 हो रहा है, इन दैट केस यहाँ पे सिर्फ 60,000 आएगा, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 60,000, ठीक है, जो प्रिंसिपल पर। फिर आता है सेटलमेंट अमाउंट, सब ये अगेन जस्ट गोइंग विद दिस एग्जांपल, अगर 80,000 का था आउटस्टैंडिंग, उसमें से उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 20,000 है, तेरे को लोन है, तो लो वरना निकलो। तो इन केस में क्या था कि सेटलमेंट अमाउंट उसने बोला कि 20,000 हमने दे के सेटल कर दिया कार्ड, जो अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट स्टेटस, अपने अकाउंट जैसे देख लिया, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टार्ट डेट कब था, 1 जनवरी को, एंड डेट कब हुआ, 12 दिसंबर, December 1, 2018। फिर आता है पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री, ये पेमेंट स्टेटस का मतलब ये हुआ, मैंने ये कार्ड लिया था ना दिसंबर के आसपास, क्योंकि नेक्स्ट जनवरी से शुरू हो गया पेमेंट, दिसंबर तक है, हाँ अगर मैं वापस से रिटर्न करेंगे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो ये अपडेट हो जाएगा। अब ये देखते हैं जनवरी में 0,0,0 क्या, मतलब सभी टाइम पे ये पैसा भरा हुआ है, बोला था ना सपोज 15 दिसंबर को पे करना है और मैं करता हूँ 16 को, तो 1 आ जाएगा, 1, 2, 10 दिन के बाद करता हूँ तो 10 आ जाएगा, जितने दिनों के बाद पे करता हूँ, लेकिन 15 है या 15 से पहले पे कर देता हूँ तो 0 ही रहेगा, तो ये होता है रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर, 0। लेकिन 0 के अलावा नंबर्स तो समझ आ गया, लेकिन नंबर्स के अलावा ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है, STD, SMA, SUB, DBT, LSS, फिर ये हैशटैग और एक्स, बस एक्सटैग, हैशटैग, हैशटैग मतलब नंबर्स दिया होगा, वो तो मैंने समझा दिया कितने नंबर्स हैं, पेमेंट ड्यू होने के बाद पे कर पैसा आना है, नॉट रिपोर्टेड मतलब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बैंक ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो सिर्फ मैं बोल दिया कि मैंने रिपोर्ट नहीं करता हूँ, तो ट्रिपल एक्स। फिर आता है स्टैंडर्ड, मतलब सही से पेमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है SMA, SMA कब होता है, जब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है,
पेमेंट नहीं आ रहा है और वो अकाउंट को एनपीए होने वाला है, इन दैट केस ये एसए में बोला जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट। फिर आता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड क्या होता है, जब भी कोई अकाउंट 90 दिनों से ज़्यादा उसका ओवरड्यू चलता है, सपोज आज 15 दिसंबर को पेमेंट करना था लेकिन मैंने 15 दिसंबर को नहीं किया, 15 जनवरी भी चली गई, फरवरी भी चली गई, मार्च भी चली गई, हो गए मतलब 90 दिन, 90 दिन के बाद फिर भी मैं पे नहीं करता, उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, SUB। फिर यही अगर सब स्टैंडर्ड स्ट्रेट 12 महीने के लिए रहता है, 12 मंथ स्ट्रेट सब स्टैंडर्ड ही रहोगे तो हो जाते हो डाउटफुल, मतलब पैसा आने का चांस हो गया कम। फिर आता है लॉस। लॉस में क्या रहता है, जब कंपनी अपने हिसाब से समझ लेती है कि भाई पैसा आने वाला नहीं है इसके पास, तब वो रिफ्लेक्ट करता है LSS, मतलब लॉस। ये हो गए सारे मीनिंग्स, ठीक है, ये आपको मिलेगा अपने रिपोर्ट में जब ओपन करोगे तब। अब नेक्स्ट रहते हैं इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। इंक्वायरी इंफॉर्मेशन में क्या रहता है, जिस जिस बैंक ने आपकी इंक्वायरी की है, आपकी रिपोर्ट मंगाई है, वो सब दिखेगा। तो उसमें क्या है, एक बार HDFC बैंक ने मंगाया क्रेडिट कार्ड के लिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 4 बार मंगा लिया, HDFC बैंक ने एक हाउसिंग लोन के लिए मंगाया, HSBC बैंक ने मेरा क्रेडिट कार्ड चेक के लिए मंगाया, ये सब डेट ऑफ इंक्वायरी है, डिटेल्स मंगाया था, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि ये सब जब भी कोई लोन आएगी और मैं ज़्यादा देखूँगा ना, तो एक डाउट क्रिएट होता है, ये बंदा इतनी जगह पे गया और कहीं पे भी पैसा नहीं मिल रहा, वापस मेरे पास ही आ रहा है, एक चीज़ या तो वहाँ से भी ले रहा है और यहाँ से भी मांगने को आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है इस बंदे का, ये नेगेटिवली देखा जाता है। अब मैं यहाँ पे 4 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, 4 बार स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास, लेकिन मेरे पास कार्ड एक ही है, तो वो भी नेगेटिव हो गया, बिकॉज बंदे ने 4 बार अप्लाई किया तब बैंक में जाकर एक बार दी, ऐसा नहीं देखा। बट इन रियलिटी आई डोंट थिंक सो दिस 3 आर वर्थ इट, लाइक आई डोंट थिंक सो ये 3 का इंक्वायरी होना चाहिए। तो मैं अपने वीडियो में रेस तो करने वाला हूँ डिस्प्ले ये रिमूवल के लिए, देखते हैं, और अभी प्रोसेस में ही है, तो लेट्स सी कब ख़त्म होता है और कब वो अपडेट करते हैं, रिमूव करते हैं इंक्वायरी, ये है, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज वो तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या हुआ, बट आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्या क्या सब रहता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर लिया, कॉन्टेक्ट भी कर लिया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अकाउंट हो गया, इंक्वायरी, ठीक है। गैस और ये वापस रूम पर आते हैं, और हाँ ये माई अकाउंट में अगर जाओगे इधर तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करने को मिलेगा, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये सब था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।